बैठ 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 बैठ, वो आ चुका है गाइस, वो आ चुका है, वो आ चुका है गाइस। अभी हम जा रहे हैं उसे लेने। हम आ चुके हैं गाइस उसको लेने, वो भी आ चुका है। भाई साहब आई एम सो मच एक्साइटेड। दादा हमारा एक तो पार्सल आई सील प्रांतिक पाल। इधर पकड़, इधर पकड़, मेरे हाथ पे पकड़। ओ भाई इतना एक्साइटेड भाई। हां अंदर आ। हां थैंक यू। सो गाइस ये पेटी है हमारे हाथ में, आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। सो गाइज यहाँ पे है हमारा महंगा पेटी एंड इसको लेके अभी जल्दी से घर चलते हैं। आई एम सो एक्साइटेड गाइज, लेट्स गो ब्रो। सो गाइज चलते हैं अभी घर एंड आप लोग बने रहिए यार, आप लोग बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, अभी से तो तबाही होने वाला है वीडियोस पे। So hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. This is Prantik and you are watching the Red Rider. So guys, ये है मेरा आज का दूसरा वीडियो। तो सुबह जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा वो मैंने सुबह शूट किया एंड जब भी मैंने घर पे आया, घर पे आके मैं डेटा कॉपी कर रहा था तब भी मेरे को कॉल आ गया कुरियर से कि हाँ जी आपका पैकेज आ चुका है। तो गाइज ये है ये पैकेज एंड चलिए अभी इस पैकेज की अनबॉक्सिंग करते हैं एंड टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया है ये क्या है। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते, अभी सीधा इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। सो गाइज ये रहा ब्लेड, हज़ारों का ब्लेड, क्योंकि इससे क्योंकि क्योंकि इससे अभी कुछ खुलने वाला है। तो चलिए अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइज। So guys, ये आ चुका है हमारा गुड़सेवक का एग्जॉस्ट। तो अभी देखते हैं गाइस मोमेंट ऑफ ट्रूथ भाई। तो गाइस ये रहे हमारे गुरुसेवक के एग्जॉस्ट एंड ये वो भाई काफी भारी है यार, स्टॉक एग्जॉस्ट से हल्का होगा। तो गाइस अभी पहले इनको साइड में रखते हैं ठीक है। तो पहले आपको एक स्टॉक एग्जॉस्ट का एक बार लास्ट टाइम एक अच्छा सा साउंड सुना देते हैं। तो भाई शो को तो स्टार्ट कर। न्यूट्रल में है, रेप कर थोड़ा। ओ ओ सो गाइज ये था कुछ स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड एंड चलिए अभी गुरुसेवक एग्जॉस्ट को इंस्टॉल करते हैं। पहले तो इसको खोलते हैं, मैं ही खोलने वाला हूँ, देखता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो बने रहिए गाइज, कुछ तबाही होने वाला है अभी। सो गाइज अभी स्टॉक एग्जॉस्ट तो गर्म हो रखा है तो इसको पहले थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं एंड मैं अभी पहले गुरुसेवक की अनबॉक्सिंग करता हूँ, उनको देखता हूँ कि कैसा क्या है, आपको दिखाता हूँ। सो ये रहे एग्जॉस्ट, तो अच्छे से एकदम बबल रैप किया हुआ है। शोभा तो काफी एक्साइटेड हो गया है। खेला हो बे। ओ भाई भाई भाई। ये देखिए गाइस मैंने एक ग्लॉस फिनिश में मंगवाया है एंड ये रहा इसका टिप। अभी अंदर में डिबी किलर्स है तो डिबी किलर्स जब हट जाएंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। और ये शो को तो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हुए एंड ये देखिए गाइस ये रहा खुल जा ये रहा गुरसेवक लिखा हुआ। भाई साहब ओ भाई साहब एक्चुअली मेरे को इधर पे ब्लेड लगाने का मन नहीं कर रहा, स्क्रैच में जा जाएगा इसलिए। ये देखो तो ये देखो गाइस गुरसेवक। तो गाइस ये एक्चुअली शॉर्ट कोन है, गुरसेवक में एक आता है बिग शॉट, एक आता है शॉर्ट कोन एंड एक और नया था वो इतना बड़ा था, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट था तो मैंने वो मंगवाया नहीं। बहुत गर्म है भाई।
तो एक आता है शॉर्ट कोन एंड एक आता है बिग शॉट। तो शॉर्ट कोन मेरा मंगवाने का रीजन था कि ये थोड़े से छोटे होते हैं स्टॉक से एंड जिससे कि ऑलमोस्ट 6 kgs का वेट रिडक्शन हो जाता है एंड बिग शॉट होने से मतलब उतना रिडक्शन नहीं होता है। बट बिग शॉट का एक है कि उसमें बेस इससे भी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी घुड़सेवक तो माना जाता है बेस के लिए, इसमें भी अच्छा खासा बेस है एंड जो बिग शॉट है उसमें भी बेस है लेकिन उसमें इससे ज़्यादा बेस है। तो मुझे उतना भी बेस चाहिए नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो यही मंगवा लेता हूँ एंड ये मैंने मंगवाया है स्टेनलेस स्टील में। तो स्टेनलेस स्टील आता है, एक आता है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील में मतलब रस्ट होने का चांसेस है एंड ये है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, लाइफ टाइम वारंटी है, उन्होंने बोला है कि इसमें लाइफ टाइम वारंटी है, इसमें कभी भी रस्ट नहीं लगने वाला एंड हाँ बस यही है, अभी लगा के देखते हैं कैसा क्या है। मैट फिनिश में भी था, एक था ब्लैक कलर में पाउडर कोटेड, तो ग्लॉस फिनिश में मंगवाया क्योंकि ग्लॉस ही इसके साथ जा रहा है, ग्लॉस जा रहा है ना, ब्लैक नहीं जाएगा इसके साथ, ग्लॉस ही जा रहा था तो ग्लॉस ही मंगवा लिया। सो गाइज ये एग्जॉस्ट खुल चुका है एंड ये रहा हमारा एक साइड का एग्जॉस्ट एंड यहाँ पे सिद्धांत भैया भी आ चुके हैं। हेलो सिद्धांत भैया, मैंने कॉल करके बुलाया कि आप कहाँ हो, बोले कि सुनावाड़ी घाट में, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला मेरे पास एग्जॉस्ट आ चुका है, बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट नहीं हुआ, हार्डली 10 मिनट भी नहीं हुआ वो आ चुके हैं। सो गाइज एग्जॉस्ट खोलने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है एंड पहले हम लोगों ने यहाँ से एक नट खोला है। Guys, बहुत सारा मेहनत के बाद ये खुला है, अच्छा खासा वेट है, एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं। ये है स्टॉक एग्जॉस्ट एंड ये है घुड़सेवक के एग्जॉस्ट। काफी ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है, डंबल मार रहा है, फिर भी ये भी हैवी है, डंबल डंबल हम पकड़ लो, ये 2-3 किलो कम है एंड वो भी 2-3 किलो कम होगा तो ऑलमोस्ट पकड़ लो 5-6 किलो कम होने वाला है। सो गाइस ये पहला वाला खुल चुका है, अभी दूसरे वाले की बारी। सो गाइस ये खुल चुका है दूसरा एग्जॉस्ट। भाई साहब आज कमर का हालत खत्म हो गया है कसम से, मैं एक बार बैठ कर देखता हूँ विदाउट एग्जॉस्ट कितना होता है, मतलब कैसा रहता है। भाई काफी ज्यादा वेट रिडक्शन हो चुका है एंड गाइस एक बार पीछे से आप विदाउट एग्जॉस्ट साउंड चेक कर लीजिए। हे भगवान बचा लेना। ये तो इससे भी लाउड था, कितना स्पीड आई था। ओ भाई नहीं गाइस ऐसा नहीं करना पुलिस वालों से एंड स्पेशली मम्मी पापा से लात नहीं खाना, हम अच्छे बच्चे हैं, हम लोग इसको शांत कर देते हैं घुड़सेवक लगा के। क्यों नहीं घुड़सेवक लगा के शांत हो जाएगा ना। नहीं घुड़सेवक लगा शांत नहीं होगा। तो ठीक है गाइस अभी घुड़सेवक को इंस्टॉल करते हैं एंड हाँ इधर पे डीबी किलर्स इंस्टॉल्ड है तो डीबी किलर लगा के भी एक बार रिचुअल तो करना ही पड़ता है ना, तो डीबी किलर लगा के भी सुना लेंगे एंड विदाउट भी सुना देंगे। सो गाइज हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये वाला जो क्लैंप है ना ये क्लैंप को हम लोग घुड़सेवक के अंदर घुसाएंगे ताकि अच्छे से एकदम टाइट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने टेम्पोरली मतलब घुड़सेवक का एग्जॉस्ट फिट कर दिया है। रुक एंड अभी थोड़ा सुनते हैं कैसा क्या आ रहा है विथ वो डीबी किलर। ठीक है So guys, अभी क्या करते हैं अभी डीबी किलर को खोल लेते हैं फिर देखते हैं कि कैसा क्या आ रहा है। तो डीबी किलर को खोलने के लिए एलन की चाहिए होगा, एलन की का सेट निकाल, इधर से देखो इधर से डीबी किलर खुल जाता है, 5 नंबर का दे। सो गाइज इधर से डीबी किलर को हम खोल लेते हैं। ओ ये बहुत ही सॉफ्ट लगा हुआ है, इसके लिए एलन की चाहिए ही नहीं, ये वाला काफ़ी बड़ा है ना इसके लिए एलन की चाहिए ही नहीं, आराम से ये रहा डीबी किलर्स। तो अभी विदाउट डीबी किलर्स एक बार साउंड चेक कर लेते हैं। Hello.
तो बाइक है भाई। डीवी किलर खोलने के बाद जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। चलिए अब इसको फिक्स करते हैं। A few moments later. So guys, चला हो गई। अभी फर्स्ट स्टार्ट दे रहा हूँ, फर्स्ट स्टार्ट नहीं पहली बार चला रहा हूँ। ओए धक्का देख तू। सो विद गुरुसेवक एग्जॉस्ट शॉर्ट कॉन ग्लॉस फिनिश स्टेनलेस स्टील, लेट्स डू इट। गाइस ये क्या हो गया भाई साहब, अभी तक सुनाई दे रहा है। वो शिट भाई, दुआ देर करने, दुआ देर करने ना ना, दुआ 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 देर कितना लगी, ओए ओए दुआ देर कितना लगी, वो पड़ गया से, वो मतलब है क्या दुआ देव कितना लगे, प्रथम प्रथम दुआ देव नहीं कितना, आई थिंक प्रथम प्रथम यो दे दुमा दे ना इधर खाट तो। 3 days later. Wait guys, ये चीज कुछ भी नहीं था, मैं एक्चुअली बहुत ही डर गया था क्योंकि भाई एग्जॉस्ट चेंज किया अभी एंड धुआं निकल रहा है अंदर से एग्जॉस्ट के अंदर से। फिर बाद में मैंने मतलब भैया लोगों से पूछा और भी भैया लोगों ने बोला कि ये चीज़ कुछ नहीं है, नया एग्जॉस्ट है ना तो एग्जॉस्ट के अंदर जो जालियाँ है मतलब नेट वगैरह है ना तो वो चीज़ एक्चुअली बर्न हो रहा था, धीरे धीरे कार्बन उसमें जमा हो रहा था, उसी के वजह से ये जो धुआं आ रहा था एंड जलने का स्मेल आ रहा था। तो वो चीज़ एक्चुअली अभी जो ये वीडियो देख रहे हो ये 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ मैं एंड वो घटना 2 दिन पहले हुआ था। तो हाँ मैंने 2 दिन तो बाइक को बहुत चलाया एंड गाइस कल भी कुछ इशू नहीं हुआ बाइक में, मतलब कोई धुआं वगैरह नहीं आया, आज भी नहीं आया, सिर्फ पहली बार आया था एंड वो चीज़ ऑब्वियस था। एंड गाइस आई कुड फील इट जब मतलब धीरे धीरे मतलब एग्जॉस्ट अपना मतलब साउंड चेंज कर रहा था, मतलब अब पहले तो पॉप्स एंड बैंग उतना कर नहीं रहा था, धीरे धीरे अभी मतलब थोड़ा पॉप एंड बैंग हो रहा है। तो मुझे जितना लगता है और भी कार्बन फॉर्म होने के बाद एंड और जब बाइक इश्यू को मतलब इस नए एग्जॉस्ट के हिसाब से जब ट्यून कर लेगा तब मतलब और भी अच्छा साउंड करने वाला है एंड शायद पावर में भी इंक्रीज होगा क्योंकि गुरसेवक क्लेम करता है कि अप्रॉक्स 2.5 bhp गेन हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे कार्बन फॉर्म होगा वगैरह एंड ऑल। इस एग्जॉस्ट के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस बनाना है एंड गाइस बात है मोटो व्लॉग करना, तो मोटो व्लॉग भी पेंडिंग है। तो अगला वीडियो आई थिंक मोटो व्लॉग ही आने वाला है गुरसेवक एग्जॉस्ट पे कि कैसा लगता है जब मैं चलाता हूँ। ओ भाई साहब अभी मैं इतना ही बोल सकता हूँ। सो गाइज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड गाइज सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो। सो गाइज विद दिस बाय बाय एंड पीस आउट।